हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन और स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हो कुछ मिनटों में। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बता दूं कि गूगल जो अपन जीमेल अकाउंट है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स सारी चीज मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपना जीमेल अकाउंट का फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड भी बना सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार यार अपने चैनल पे आए हो तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों देरी ना करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहेगी ताज़ा वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों चलिए आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना होगा जीमेल अकाउंट सर्च। जैसे दोस्तों आप गूगल न्यू टैब यूआरएल बॉक्स में जीमेल अकाउंट सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पे जो ऊपर दिखाई दे रहा है लिंक, इस पे आपको क्लिक करना होगा gmail.google.com। तो आपको इस पे क्लिक करना होगा या फिर दोस्तों आप कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे आप यहाँ पे जीमेल टाइप करोगे। जीमेल टाइप करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा और आप यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है तो आप साइन इन यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार से एक नया विंडो ओपन होगा और आप देख रहे हो आपके सामने कुछ इस तरीके का नया छोटा टैब ओपन हो जाता है। तो आपको किस तरीके से आप नया अकाउंट बना सकते हो जीमेल अकाउंट, तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट माई सेल्फ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक फिर नया पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको टाइप करना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और लास्ट नेम, जैसे आपको आपका नाम का लास्ट नेम, जैसे मैं अपना नाम का लास्ट नेम डाल देता हूँ। उसके बाद में यूजर नेम, आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना है। तो जो आप जीमेल अकाउंट बना रहे हो, जैसे मैं अपना जीमेल अकाउंट में अपना नाम डाल देता हूँ, तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना जीमेल अकाउंट का यूजर नेम आपके जो भी वो है वो आप बना सकते हो। पासवर्ड आपको टाइप करना है, जैसे एक लेटर आपको कैपिटल लेना है, एक स्मॉल, बाकी इस तरीके से आप पासवर्ड अपना बना सकते हो। और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है या फिर दोस्तों आप अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर भी रख सकते हो। जैसे दोस्तों आप मोबाइल नंबर ये क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो दोस्तों आपके वैलिड मोबाइल नंबर है, क्योंकि उस पे दोस्तों ओटीपी जाता है तो आपको वो मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद में आपको जो आपका बर्थडे है वो, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जेंडर, अगर आप मेल हो या फीमेल, तो मैं मेल हूँ तो मेल आपको डाल देना है। दोस्तों इस प्रकार आपके सामने यहाँ पे नोट नाउ कर देना है। अगर आप ओटीपी नहीं करना चाहते हो तो नोट नाउ पे क्लिक करके आप, तो दोस्तों आप ये यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स कंडीशन बता रहा है तो ये आपको वेरीफाई यहाँ पे आई एग्री कर देना है। जैसे दोस्तों आप आई एग्री पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपकी मेल आईडी क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो यार, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। और दोस्तों हम इसी प्रकार के नई वैकेंसी वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप अगर अपने मोबाइल पर सबसे पहले नई वैकेंसी की वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप जीमेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका मेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका मेल अकाउंट का पासवर्ड आप भूल गए हो तो उसको किस तरीके से फॉरवर्ड करें, और अगर आपको नया पासवर्ड बना सकते हो, कैसे अपन नया पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरीके से आप नया पासवर्ड बना देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में
अगला नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो अधिक बड़ा हो जाने की वजह से मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद।